हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मज़ेदार रेसिपी है चीज़ सैंडविच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़ा तेल लेंगे, तेल में कटी हुई प्याज डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च, और हरी मिर्च और प्याज को कुछ देर भून लेंगे। हरी मिर्च और प्याज थोड़े भुन गए हैं, फिर इसमें एक मैगी मसाले का पूरा पाउच डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और कटा हुआ फ्रेश धनिया भी डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छे से भुन लेंगे। अब इसमें बॉईल करे हुए आलू डाल देंगे और आलू को मसाले में मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब दो ब्रेड लेंगे और ब्रेड पर टमाटो केचप लगा देंगे और इसे ब्रेड पर अच्छे से फैला देंगे। अब आलू का जो हमने मसाला बनाया था इसे भी ब्रेड पर लगा देंगे। बहुत सारी चीज़ बॉल्स डालेंगे। चीज़ सैंडविच है इसलिए हम इसमें चीज़ थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। फ्रेश धनिया, पास्ता सीजनिंग। अब एक ब्रेड और लेंगे और उस पर भी टमाटो केचप लगा देंगे। अब सैंडविच को सेकेंगे। इसके लिए सबसे पहले सैंडविच के ऊपर हम थोड़ा देसी घी लगाएंगे। जिस साइड हमने घी लगाया था उसे तवे पर रखेंगे और दूसरी साइड भी घी लगा देंगे और इसे मीडियम आंच पर ही सेकेंगे। अब सैंडविच पर हम एक प्लेट रख देंगे, उसके ऊपर एक कोई भारी चीज़ रखेंगे और मीडियम आंच पर इसे सेक लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम सैंडविच को देख लेते हैं। एक तरफ से सैंडविच अच्छे से सिक गया है, हम फिर से प्लेट रख देंगे। सैंडविच हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स, हमारा चीज़ सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम सैंडविच पर थोड़ा सा टमाटो केचप और लगाएंगे। इस पे बीकानेरी भुजिया डाल देंगे, थोड़ा फ्रेश धनिया। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी, हेल्दी और क्रिस्पी चीज़ सैंडविच बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से सैंडविच बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरह से इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।